So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics, chemistry, math. Today we are studying about calculus class 12 video number 18. 17 तक पढ़ लिए, exercise 10 F सब कोई बना लिए होंगे. एक last question और बना के दिखा दे रहे हैं आपको. Fx मतलब y को ही fx बोलते हैं. 3 plus x, 1 plus x, 2 plus 3x and find f dash 0. मतलब क्या करना है? F dash मतलब होता है f dash x का मतलब को बोलते हैं हम लोग dy by dx. तो dy by dx ही निकालना है और लास्ट में x के जगह 0 पुट कर देना है. तो वैसे ही अब y क्लिक के बना दिए. टेकिंग log both side, log y equal to क्या हो जाएगा? 2 plus 3x multiply log 3 plus x. अब y में है तो क्या होगा? Minus power multiply log 3 plus x माइनस लोग वन प्लस एक्स. टेक लोग बोथ साइड, वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स. टू प्लस थ्री एक्स, लोग एक्स का वन बाई एक्स. थ्री प्लस एक्स, लोग वन प्लस एक्स. अंडरस्टूड? यू टू बी ये बाहर में लोग थ्री प्लस एक्स बाहर में माइनस लोग वन प्लस एक्स. 2 का 0, 3x का 3. इतना तो कोई भी कर लिया गा. y को उधर ले गए तो 2 प्लस 3x बाई क्या बच गया? 1 बाई 3 प्लस x माइनस 1 बाई x प्लस 3. ये वाला 3 को यहां लिख दिया. log 3 प्लस x माइनस log 1 प्लस x. अंडरस्टूड? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दिए तो इसका नाम पड़ गया dy by dx को ही क्या बोलते हैं? dy by dx बोलिए. चाहे fx के अगर y रहता है तो dy by dx, और fx रहता तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? dy by dx को ही क्या बोलते हैं? f dash x. इतना तो कोई बना सकता है. अब हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे. क्या पुट करेंगे? f dash 0 निकालना है. तो जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करने वाले हैं. अंडरस्टूड? नोट इट डाउन. तो जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करेंगे तो f dash x का वैल्यू को f dash 0 मतलब x करने के बाद 0 पुट करिए, डिफरेंशिएट करने के बाद. तो बाहर में क्या है? 3 प्लस x का वैल्यू 0, 1 प्लस 0 का पावर 2 प्लस 3 इंटू 0. खत्म. अब सब अंदर में है. ये लोग ध्यान से देखिए क्या होगा. 2 प्लस 3x, 2 प्लस 3x, 1 by 3 plus 0 minus 1 by 1 plus 0. क्लियर है? ये पोर्शन खत्म. प्लस 3 log ऑफ 3 plus 0 minus log ऑफ 1 plus 0. सिंप्लीफाई कर रहे हैं. f dash 0 का वैल्यू निकाल रहे हैं. जहां जहां x है 3 बच गया, यहां पे 3 by 1 3 होता है, 3 by 1 3 होता है, का पावर 2 बच गया. बाहर में है 2 प्लस 3, x का वैल्यू 0 तो यहां पे 2 बच गया. x के जगह 0 लिख दिए. क्लियर है? 2 बच गया यहां पे. 1 by 3 minus 1 by 1 बच गया है 3 log 3, और log 1 का वैल्यू 0 होता है. अंडरस्टूड? तो क्या हो गया? 3 3 जन 9, 2 log LCM लेंगे 3 तो बचेगा minus 2, 3 में 1 गया minus 2, प्लस क्या हो गया? 3 log 3. तो 9 3 जन 27 log 3, 9 3 जन 27 log 3, 2 2 जन 4, 4 गुना 9 36, 2 2 जन 4 by 9 by 3 काट दिए. आंसर आ गया 27 log 3 minus 12. तीसरा का क्वेश्चन था. लास्ट क्वेश्चन. सारा क्वेश्चन हम बना दिए हैं. किसी को अगर एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाना है 10 एफ और 10 डी जरूर पढ़ना चाहिए. 10 डी 10 ई 10 एफ. चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट फंक्शन इनफाइनाइट सीरीज का कैसे करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, ये पढ़ने वाले आज. सो नेक्स्ट. So in this way we learn how to differentiate taking log in exercise 10F. पूरा क्वेश्चन अच्छा से कर दिए, एकदम अच्छा से. बार बार आपको वार्निंग दे रहे हैं कि जरूर बना लीजिएगा. एकदम अच्छा से बताया, इतना ज्यादा कोई नहीं बताता है. इस वीडियो 4-5 वीडियो आपको दिए उसके लिए. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. नाम है इनफाइनाइट सीरीज. एक टर्म के बाद एक टर्म इनफाइनाइट रहेगा तो कैसे बनाते हैं, उतना इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन. सब एग्जाम में नहीं आने के बराबर है. एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, एक दो अपने से बनाइएगा. सो लुक हियर. साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स करते करते इन्फिनिटी. इनफाइनाइट टर्म्स हैं. साइन एक्स का पावर, साइन एक्स का पावर, साइन एक्स का पावर, कोस का पावर, लोग का पावर. तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो क्या करते हैं, देखिए साइन एक्स लिख लीजिए. साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, देखिए वही रिपीटिंग है.
रिपीटिंग इनफाइनाइट सीरीज, वही टर्म रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट, तो एक टर्म हटाइएगा तो ये भी क्या होगा, y के ही बराबर है। क्लियर है, ये भी y के ही बराबर है, साइन x का पावर, साइन x का पावर, तो इसको हटाइएगा तो y ही नहीं दिख रहा है, साइन x साइन x साइन x, एक टर्म कम कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका थ्योरी यही है। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, log y का वैल्यू क्या होगा, y log क्या होगा साइन x, 1 by y dy, log लेना पड़ेगा, पता था ना पावर में है, y 1 by sin, sin का cos, log sin x बाहर में, y का 1, dy by dx, dy by dx बाहर में, 1 by y minus log sin x equal to उधर क्या है, y cos by sin cot x होता है, cot x उधर गया, क्लियर है, y cot x, कोई डाउट नहीं है, y LCM लीजिए, dy by dx, y LCM, 1 minus y log sin x is equal to क्या है, y cot x, आंसर आ गया, dy by dx, y उधर गया, y का स्क्वायर, 1 minus y log को y log sin x, अंडरस्टूड कैसे, तो ऐसा टर्म में इन्फिनिटी है, तो देखिए sin x sin x sin x, इन्फिनिटी में एक टर्म छिपा भी दीजिएगा तो साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स वाई ही है, ये पूरा वाई हटाएंगे तो भी वाई ही रहेगा, यही इसका थ्योरी है। एक और बना के दिखा रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जानकारी के चलते इसको हम बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, सब ऐसे ही है, फिर वही y इक्वल टू रूट ओवर, एक टर्म लिख लीजिए, एक टर्म को छोड़ दीजिएगा तो वापस वही रिपीटिंग है, मतलब y एक टर्म को लिखे y लिख दीजिए बस, अब रूट आ गया तो क्या जो था लोग नहीं लेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y, तो 2y dy by dx, x का 1 y का 1, dy by dx, dy by dx कॉमन 2y minus 1 इक्वल टू y, कितना ईजी, जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, जानकारी के हिसाब से आगे थोड़ा सा यूज होता है इसलिए बताया जाता है। तो रूट वाला समझ में आ गया, पावर वाला समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया, इनफाइनाइट है, फिर वही क्वेश्चन है, x प्लस x लिख लीजिए, प्लस देखिए वही चीज लिखा हुआ है कि नहीं, x प्लस 1 बाई x, क्लियर है, फिर वही चीज लिखा, एक टर्म लिख लीजिए, प्लस लिख लीजिए, 1 बाई वापस वही चीज लिखा हुआ है कि नहीं, क्लियर है, इसका सिंप्लीफाई करेंगे, y LCM लेंगे इधर आ जाएगा, क्लियर है, डिफरेंशिएट करिए, 2y dy by dx, x बाहर में, y का 1, dy by dx, y बाहर में, x का 1, 1 का 0, u into भी है, y का स्क्वायर कर दिए, dy by dx कॉमन कर लिए, 2y minus x equal to y, dy by dx equal to y by 2y minus x, understood, note it down। सो नेक्स्ट इज, तो इनफाइनाइट वाला बहुत ईजी एग्जाम में नहीं किया था लेकिन सिखा दिए, चलिए आगे पढ़ते हम लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, अदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक बना के दिखा तब समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लिखा हुआ 10H का फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट करना है किसको, x का पावर 6 को, y के रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट नहीं, 1 बाय रूट x के। तो सारा क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, एक फंक्शन को y मानिए, दूसरा फंक्शन को जेड मानिए, तो हम लोग क्या करना है, वही तो, वी हैव टू डिफरेंशिएट किसको, y को, किसके रेस्पेक्ट में, इसको जेड माने हैं तो जेड के रेस्पेक्ट में, dy by dz, क्लियर, dy by dz, तो dy by dz निकालने के लिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, सबसे पहले dy by dx करिए, y इक्वल टू x का पावर, सबसे पहले y मानिए, z मानिए, और y को डिफरेंशिएट मतलब x का पावर 6 मतलब y को डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू z मतलब 1 बाई रूट एक्स, सो dy बाई dx क्या हुआ 6 x का पावर 5, खत्म। उसी प्रकार अब निकालिए हम लोग dz बाई dx, बता रहे क्यों, dz बाई dx, हर क्वेश्चन में से बनाना पड़ेगा आपको, एक को y मानिए, एक को z मानिए, डिवाइड बाय dx निकालिए, dz बाय dx, तो z का वैल्यू क्या है, 1 बाय रूट एक्स, याद है x पावर माइनस हाफ है, क्या होता है, माइनस 1 बाय 2, x का पावर क्या होता है 3 बाय 2,
दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिए x के, एक को y मानिए एक को z मानिए, डिफरेंशिएट करिए y को विथ रिस्पेक्ट टू x और z को करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, अंडरस्टूड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए dy वाई बाई डी जेड को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो dy वाई बाई डी एक्स और dz जेड बाई डी एक्स, डी एक्स डी एक्स तो कट जाएगा, dy बाई डी एक्स निकाल दिए, dz जेड बाई डी एक्स निकाल दिए, क्वेश्चन है कि इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो वी हैव टू फाइंड dy बाई डी जेड, dy बाई डी जेड निकाला था, पहले dy बाई डी एक्स निकालिए dz जेड बाई डी एक्स, तो हम लोग क्या dy बाई डी जेड को ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स by dz by dx, तो ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा, ये साफ साफ dy by dz ही तो है। अब dy by dx कितना निकाले हम लोग, 6x का पावर 5 और ये कितना निकाले हैं माइनस 1 by 2, घबराइएगा मत, एक दो को बनाएंगे क्लियर हो जाएगा, ये 2 ऊपर गया 12, क्लियर है, x का पावर कितना हो गया 5, यहाँ पे क्या है x रूट x था, x का पावर देखिए माइनस हाफ था, माइनस हाफ मल्टीप्लाई एक कम के माइनस 3/2, नीचे आके प्लस 3/2, सबको याद भी होगा 1 बाई रूट x का माइनस 1/2 x रूट x होता है या x और 3/2, तो 3/2 ऊपर गया, क्लियर है, x का पावर 3/2, 5 है ऊपर में 6x 5, तो 12 x का पावर है 7/2 प्लस हो गया, एक मिनट, तो गलती के ध्यान से देखिए, रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट, और 1 माइनस 1/2 एक्स का पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1/2 एक्स का पावर 3/2, ये ऊपर गया 5 प्लस 3/2 तो क्या हो जाएगा 13/2, ऐसे बना सकते हैं, नोट कर लीजिए। और एक दो क्वेश्चन देखिए, पूरा समझा दिए हैं, एक 10h का सेकंड नंबर देखिए, डिफरेंशिएट log x, तो इसको y मान लीजिए, y इक्वल टू log x किसके रेस्पेक्ट में, उसको z मान लीजिए cot x, तो हम लोग क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड y को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू क्या z, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले y का वैल्यू क्या है log x, तो dy by dx कर लीजिए 1/x, उसी प्रकार z का वैल्यू क्या है cot x, तो dz by dx कर लीजिए माइनस क्या होता है cos x square x, एकदम इजी चैप्टर, कैसे बनाते हैं वो बता रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या क्वेश्चन है dy by dz निकालना है, तो लिख सकते हैं dy by dx dz by dx, dy by dx का वैल्यू क्या है 1/x और dz by dx का वैल्यू क्या है माइनस cos x स्क्वायर x, या तो यही छोड़ सकते हैं माइनस को ऊपर लिख दिए x cos x स्क्वायर x, या ऊपर लिखे होंगे तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस sin स्क्वायर x ऊपर लिख के, जो भी हो हमको आंसर नहीं पता, दोनों सही है, क्लियर है, नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा सबको अच्छा से, इसका आंसर गलती दिया हुआ है, लिख दिया माइनस साइन इनवर्स एक्स, पॉसिबल है नहीं, गलती लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स होगा, क्लियर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे बनाएंगे, अब इनवर्स वाला जो हम लोग 10d पढ़े उस तरह कॉन्सेप्ट यूज होगा, सबसे पहले y मानिए किसको, tan इनवर्स रूट ओवर, याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग, एंड z इक्वल टू क्या मानिए cos इनवर्स x स्क्वायर, हम लोग पहले क्या डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, तो इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं बना सकते, वही tan d एक्सरसाइज, अब दिमाग लगाइए x का वैल्यू क्या पुट करें, tan इनवर्स है 1 माइनस x स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर को क्या मानिएगा cos थीटा, x स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बनेंगे तो नहीं बनेगा, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं फिर से 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा, और z का वैल्यू क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos थीटा, z पुट कर दिए y में पुट कर दिए, तो क्या हो जाएगा अभी भी अलजेब्रा सॉरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, याद आ रहा है cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 2 कट गया, tan इनवर्स क्या आ गया, tan d को जो पढ़ के भूल गया होगा उसको दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए वीडियो तो सेव है, वीडियो नंबर 10 11 12 देखिएगा, 10d को जरूर पढ़ लीजिएगा,
तो हम लोग के पास थीटा के रूप में क्या आ गया, टेन टेन हट गया, थीटा बाई टू और जेड का वैल्यू थीटा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, y का वैल्यू थीटा बाई टू और z का वैल्यू थीटा, समझ आ रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दिए थीटा के रूप में बदल दिए, इसलिए बोलिए। तो हम लोग क्या करते हैं, x के कहते हैं डी वाई बाई डी थीटा कर दे रहे हैं, 1 बाई टू बाहर में थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में कर दे रहे हैं y को, और डी जे जैसे x का 1 होता है तो थीटा का भी क्या होगा 1 होगा, जैसे x का 1 थीटा के रूप में कर रहे हैं थीटा बाई टू। अब आ गया आंसर, इसलिए क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी जेड इक्वल टू हैं डी वाई बाई डी थीटा, और बहुत सा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, जरूर देख लीजिएगा डी वाई बाई डी थीटा क्या निकाले, 1 बाई टू डी एक्स बाई डी थीटा, सॉरी डी जेड बाई डी थीटा क्या निकाले हम लोग, एक्स तो भूल ही जाइए इसमें 1, आंसर होगा 1 बाई टू आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट इज अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट, क्या करेंगे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, देख के ही बता दीजिए x को क्या मानने वाले हैं हम लोग, टेन थीटा, टू टेन थीटा बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एंड z किसको मान लिए, मालूम ना ऐसा करना है, बहुत सा क्वेश्चन टेन थीटा बाई, तो देखिए क्या होगा है? y इक्वल टू टेन इनवर्स क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन से बना रहे हैं टू थीटा, यानी y इक्वल टू क्या हो गया टेन टू थीटा का फार्मूला है, अगर आप भूल गए होंगे तो आई कांट हेल्प, इवन गॉड कांट हेल्प यू। z इक्वल टू साइन इनवर्स किसका फार्मूला है बोलिए, साइन का टू थीटा का है, तो z का वैल्यू भी क्या है टू थीटा, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में कर दे रहे, टू इंटू वन जो टू एक्स का टू, टू थीटा का भी टू, डी जेड बाई डी थीटा भी निकालेंगे टू इंटू वन। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी जेड फाइंड करना है, डी वाई बाई डी थीटा डी जेड बाई डी थीटा, टू बाई टू इज इक्वल टू वन, अंडरस्टूड। सो पूरा क्वेश्चन जितना आप चाहे बना सकते हैं, एक वीडियो और देंगे, 10h और 10i एकदम सेम टाइप का है, उसमें t के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ, इसमें थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग बनाते हैं, अंडरस्टूड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है वीडियो समझ में आ रहा होगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में नंबर लाना है तो 10f का सारा क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल्स बना लीजिए, एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कर लीजिए, उसका मेन मेन क्वेश्चन वीडियो जैसे खत्म होगा कैलकुलस का डिफरेंशिएशन बताने वाले आपको, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।